सो हेलो फ्रेंड्स, आज क्विक अपडेट में बात करेंगे मॉर्बियस की ऑफिशियल रिलीज डेट के साथ साथ कुछ स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट और कैमियोज के बारे में और साथ ही साथ ट्रिलॉजी के बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी डिटेल पता लग जाए। इससे पहले मॉर्बियस की ऑफिशियल रिलीज डेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अभी 1 अप्रैल ही फाइनल की गई है, जिसके काफी सारे पोस्टर भी निकल कर आए हैं, जिसकी कन्फर्मेशन तो यही निकल रही है कि तमिल, तेलुगु और हिंदी इंग्लिश में आपको 1 अप्रैल 2022 को ही यह मूवी थिएटर में देखने के लिए मिलेगी। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कन्नड़ा फैंस के लिए अभी तक ऑफिशियल रिलीज डेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जब भी अनाउंसमेंट आएगी मैं आपको बता दूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले न्यूज़ पता लग जाए। और रही बात इसके पोस्टर की, पोस्टर तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। अब तो मैं सिर्फ इस मूवी का वेट कर रहा हूँ कब ये मूवी आए और मैं देखूँ। इसके अलावा मैं बात करूँ मॉर्बियस की ट्रिलॉजी स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट प्लस कैमियोज के बारे में, तो काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि मॉर्बियस की हमें 2 मूवीज और देखने के लिए मिलेंगी। इसका मतलब तो यही निकलता है कि मॉर्बियस की ट्रिलॉजी होगी। और इसके अलावा जो स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट है, यानी कि स्पाइडरमैन और इसके रिलेटेड स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे कि ग्रेवन द हंटर, ब्लैक कैट और भी काफ़ी सारे स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट होंगे जो कि स्पाइडरमैन से रिलेटेड, ऑफिशियल कन्फर्मेशन हमें फ्यूचर में ही देखने के लिए मिलेगी। उनमें भी मॉर्बियस का ऑफिशियल कैमियो होने वाला है। अब ये सब बातें तो हमें तभी पता चलेगी जब मूवी रिलीज होगी, बाकी तो सोनी पिक्चर्स की मर्जी चलती है, जो कि उन्होंने देख रखा है हमने पिछले कई सालों में। बट अभी तो मार्वल की वजह से सोनी टिका हुआ है, जिसकी वजह से ही स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट निकल कर आ रहे हैं सोनी की तरफ से। नो वे होम के रिलीज होने के बाद तो सोनी वालों को भी खुद पता चल गया होगा कि फैन डिमांड कितनी जरूरी है। अब तो सोनी वाले भी फैन डिमांड पर ही फोकस रखकर ही प्रोजेक्ट बनाएंगे और उनके साथ ही अपनी लेंथ और स्टोरी टेलिंग का भी तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि फैंस को एक घटिया सी मूवी नहीं चाहिए बल्कि एक हाई लेवल चाहिए, जैसे कि स्पाइडरमैन नो वे होम इतनी सिंपल होने के बाद भी इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर गई। इसने सोनी के साथ साथ मार्वल को भी 1.5 बिलियन से भी ज्यादा कमाई करके दी। और आप लोग अपने ओपिनियंस प्लीज कमेंट्स में बताना कि सोनी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसके साथ ही मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक बाय गाइस, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले।